डभोई नगर के विविध विस्तारों में उफनती ड्रेनेज की समस्या से अब स्थानिक लोगों का जीना काफी बेहाल बना है। डभोई नगर के रेलवे नवापुरा विस्तार में लंबे पिछले एक महीने से उफनती ड्रेनेज की गंदी समस्या फैली है, जो गटर के गंदे पानी घर के आंगन में ही बहते हुए स्थानिक लोगों को बदबूदार पानी के बीच बसर करने की नौबत आन पड़ी है, जिसको लेकर स्थानिक लोगों में भारी आक्रोश फूट निकला है। डभोई नगर पालिका स्वच्छता और ड्रेनेज सहित पानी समस्या को लेकर ढेरों बार विवाद के घेरे में आ चुकी है, बावजूद अपनी कार्यवाही और कामगिरी में कोई भी ठोस अच्छा बदलाव नहीं लाया जा रहा। जहां डभोई के विविध विस्तारों में उफनती ड्रेनेज की समस्या स्थानिक लोगों के लिए जी का जंजाल बनी है। रेलवे नवापुरा विस्तार में एक महीने से भी अधिक वक्त से ड्रेनेज उफनने की समस्या के बीच स्थानिक लोगों को काफी परेशानी भुगतनी पड़ रही है। तो वही उफनती ड्रेनेज की शिकायत अंतर्गत पालिका में अर्जी भी की गई है। पालिका के टेलीफोन पर भी बैठे हुए अधिकारियों द्वारा टेलीफोनिक बातचीत में समस्या दूर करने के लिए उद्दताईपूर्ण यानी कि गैर जिम्मेदाराना जवाब देने के स्थानिक लोगों ने गंभीर आरोप लगाए थे। जहां उफनती ड्रेनेज की समस्या और बदबूदार माहौल के बीच लोगों को और भी कई रोग बीमारी फैलने की दहशत बनते हुए आज स्थानिक लोगों ने रोष व्यक्त किया था। हमारा वार्ड ना सभ्यों ने पण अमे रजूआत करेली छे अने रजूआत करवाथी ए लोको आवे छे चक्कर मारीने जता रहे छे, हाँ आवीशु थोड़ी वार रहीने, हाँ आवीशु काले, आवो करीने एक महीनो थई गयो छे। गटरो एटली गंदाई छे, उभराई छे के रोगचाळो फाटी निकळवानी तैयारीमां छे। सामे नानी बेबी छे, बीमार पड़ी गई छे। अमारा पड़ोसमां रहेता महेशभाई ने राते 3 वागे अमारे दवाखाने लई जवो पड़े छे अने आ गटरो उभराई एनी गंध एटली बधी तीव्र गंध आवे छे के आथी छरકવું, રહેવું, બેસવું પણ અમારે દુર્લભ થઈ ગયું છે। આ લોકો અમારી વાત સાંભળતા નથી, એક મહિનાથી અમે આ ત્રાસ વીઠી રહ્યા છે અને કોઈ પણ દિવસ આ ગટરોનું કંઈ ઉભરાણ થશે ને રોગચાળો ફાટી નીકળશે એની જવાબદારી નગરપાલિકાની રહેશે। નગરપાલિકાના સભ્યોને પણ અમે લોકો જઈને મળી અને રજૂઆત કરી, પરંતુ એ લોકો અમારી વાત પણ સાંભળતા નથી અને કહે છે કે હા જાઓ કાલે આવશે। કાલે આજે એક મહિનાથી અમે આ પ્રોબ્લેમ સંભાળી રહ્યા છે, તો આનું યોગ્ય निराकरण करी अने सीओ ने पण अमे टेलिफोनिक वात करी छे के अमे आ गटरनुं आनुं कंई निराकरण करो अने खाली एना माणसो जे सफाई कर्मचारीओ बे जणा आवे छे खभે सळिया मूकी अने त्यांथी अहीं सुधी आवे, अहींथी पाछा त्यां सुधी जता रहे, बस आवा जवामां तमे समय पास करीने 11 वागी जाय एटले पछी घेर ना आई जाजो भाई। ओके, मैं अमता रवि पवार, डभो रेलवे नवापुरा नी रहेवासी छुं। આજે મહિનાથી અમારા ત્યાં ગટરો ઉભરાય છે પણ કોઈ અહીંયા જોવા પણ આવતું નથી। કર્મચારીઓ આવે છે ને જોઈને જતા રહે છે, કોઈ જ કાર્યવાહી થતી નથી। છેલ્લા અઠવાડિયાથી અમે ફોન પર ફોન કરીએ છીએ ને કમ્પ્લેનો લખાઈએ છે, છતાં કોઈ જોવા આવતું નથી અને અમારી સાથે મિસબિહેવ કરે છે, તો અમે શું કરીએ? આજે મારા ઘરમાં નાની છોકરી છે, એને અઠવાડિયાથી ઝાડા થાય છે, એને કઈ થઈ જશે તો એની જવાબદારી કોની? અહીંયા મચ્છરોનો ઉપદ્રવ વધી રહ્યો છે, મારા ઘરમાં ગટરો એટલી ગંદાઈ છે કે કોનાથી રહેવાતું પણ નથી। આજે અઠવાડિયાથી અમે કમ્પ્લેનો કરીને થાકી ગયા છે, છતાં કોઈ જોવા પણ આવતું નથી અને છેલ્લે ઓફિસે બોલાવે છે, ઓફિસે જઈને અમે શું કરીશું?